दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री जल्द ही टीम से अलग होने वाले हैं। इस साल यूएई में भारत की मेजबानी में आईसीसी टी20 विश्व कप का आयोजन होना है। जानकारी के मुताबिक यह बतौर कोच शास्त्री का आखिरी टूर्नामेंट होगा। हालांकि पूर्व भारतीय दिग्गज राहुल द्रविड़ का नाम मुख्य कोच के तौर पर लिया जा रहा है। दरअसल दोस्तों टीम इंडिया के मुख्य कोच रवि शास्त्री का कार्यकाल इस साल खेले जाने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप के बाद खत्म हो रहा है। जानकारी के मुताबिक बोर्ड उनके करार को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है, तो वहीं द्रविड़ का नाम इस भूमिका के लिए सबसे आगे चल रहा है। बता दें श्रीलंका के दौरे पर गई भारतीय टीम के साथ द्रविड़ को बतौर मुख्य कोच भी भेजा गया था। एक अंग्रेजी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि टीम इंडिया के मुख्य कोच करार खत्म होने के बाद टीम से अलग होने वाले हैं। उन्होंने बीसीसीआई के कुछ अधिकारियों को इस बात के बारे में जानकारी दी है कि वह अब इस पद से हटना चाहते हैं। वैसे दोस्तों भारतीय टीम इस वक्त इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेल रही है, जिसके बाद वह अक्टूबर नवम्बर में टी20 वर्ल्ड कप में खेलती नजर आएगी। दोस्तों आपको बता दें साल 2014 में शास्त्री टीम इंडिया के साथ बतौर डायरेक्टर जुड़े थे, जिसके बाद साल 2016 में हुए टी20 विश्व कप तक इस पद पर उन्होंने काम किया। इसके बाद पूर्व दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले को टीम का मुख्य कोच बनाया गया था। हालांकि कप्तान कोहली और कुंबले के बीच हुई अनबन के बाद साल 2017 में खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होते ही कुंबले ने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद ही रवि शास्त्री को टीम का मुख्य कोच बनाया गया था। बहरहाल आगे देखना होगा कि बीसीसीआई शास्त्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाता है या फिर द्रविड़ को इसकी कमान सौंपी जाएगी। दोस्तों इसी तरह की और क्रिकेट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल में ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें।